ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। नसल पॉपल्स एक ऐसी समस्या है मित्रों, जिसमें नाक से सांस नहीं चल पाती है और इसका कारण होता है नाक में कुछ मांस बढ़ जाता है, कुछ गांठ जैसा बन जाता है, जिसका कभी कभी डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह भी देते हैं कि उससे आपकी नाक क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये इसका स्थायी समाधान नहीं है। इसके अलावा इसकी जो गांठ हो जाती है कैंसरस नहीं होती, इसलिए ऑपरेशन नहीं करवाए तो कोई समस्या नहीं होती है। पर हाँ, नाक से सांस चलाना है तो कई बार ऑपरेशन अनिवार्य हो जाता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद फिर थोड़े समय बाद वो समस्या करीब करीब खड़ी हो जाती है। तो इसका समाधान ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप ऑपरेशन भूल कर भी ना करवाएं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद किसी भी समस्या का समाधान कर पाना बहुत कठिन और जटिल हो जाता है। इसलिए ध्यान दें मित्रों, आपको इस बात से बचना होगा। तो नसल पॉपल्स को हमने आपको एक डायरेक्ट वे में बता दिया, अब मैं इसको एक देशी तरीके से भी बता दूं ये है क्या। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब बारिश आती है, एक नॉर्मल पगडंडी है जिसपे हर कोई चल के जा रहा है, बहुत से लोग चल के जाते हैं और उस पर कभी झाड़ झंकार नहीं उठता है, लेकिन जब बारिश के दिन आते हैं तो उस समय लोग वहां से निकल नहीं पाते हैं, बारिश हो रही नहीं जा पाते हैं, तो उस समय वहां पे झाड़ झंकार उड़ जाते हैं, तो उस समय वो पगडंडी खत्म हो जाती है। तो अब यदि उस पर लोग वापस चलने लग जाए तो पगडंडी वापस बन जाती है, लेकिन नहीं चलेंगे तो पगडंडी नहीं बन पाएगी। तो मित्रों, वैसा ही हमारी नाक के साथ होता है, जब तक नाक से सांस चलती है तो ना मांस बढ़ता है ना गांठ बनती है, और जब नाक से सांस नहीं चल पाती है तो ये मांस बढ़ जाता है और गांठ जैसा भी बन जाता है। ये मैंने आपको देशी तरीके से इसलिए समझाया ताकि आपको इसका पूरा हिसाब क्लियर चिट्ठा निकल सके, ताकि आप इसको ठीक से समझ के आगे के निर्देशों को हमारे ध्यान से समझ पाएंगे। मित्रों, और आज हम इसका आपको पूरा समाधान बताएंगे। यदि आपने हमारे पूरे निर्देशों का पालन किया तो आप देखेंगे कि आपका जितने साल का रोग है उतने महीनों में आपको आपकी इस समस्या से जड़ पूंछ से पूरा छुटकारा मिल जाएगा। यदि आपने कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं कराया तो ये आपकी समस्या का 100% 99% मैं आपको यहां नहीं कह रही हूं, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। बस निर्भर करता है कि आप कितने निर्देशों का पालन करते हैं, इससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं मित्रों, क्योंकि ये बहुत ही सरल है। चलिए सबसे पहले इसके कारण बता दो, इसमें कारण क्या होते हैं। मित्रों, कारण होते हैं मुख्य कफजन्य रोग। जितने भी रोग में जो कि कफ होता है, जैसे सर्दी जुखाम हो गया, माइग्रेन है, साइनस है, उसके अलावा नाक का बंद हो जाना, ये सब जो है इस सबसे नसल पॉपल्स होता है। मित्रों, अब होता क्या, जब जुखाम होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा जुखाम होता है तो नाक अक्सर बंद हो जाती है, ऐसे लोग करते रहते हैं, सांस नाक से नहीं चल पाता है, तो ऐसी स्थिति में जब वो सोते हैं, आपके घर में भी ऐसी स्थिति मिलेगी, बच्चों की, बड़ों की, सबकी, जो जिनको जुखाम हो जाता है, तो ये स्थिति जो है ये इसका कारण होती है। मित्रों, उसके बाद धीरे धीरे नाक से सांस चलना कम होकर धीरे धीरे, जैसे सर्दी खांसी की संख्या बढ़ती जाती है वैसे नाक से सांस चलना कम होता जाता है, ये इसका कारण है। मित्रों, अब इसके लक्षण क्या, मैं आपको भी बता दूं, जब नसल पॉपल्स किसी को होता है तो सबसे पहले नाक में पानी आता है, कफ बनता है, नाक पूरी भरी भरी लगती है, सब जाम लगता है, उस जाम की वजह से ये है, ये माथा सर सब भारी हो जाता है, और इतना भारीपन लगता है कि उनको हमेशा ऐसा गुस्सा जैसा आता रहता है, क्योंकि भारीपन की वजह से कई बार अनइजीनेस होती है, तो उसमें कई बार काम करने की क्षमता होती नहीं है, तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। उसके अलावा ऐसे लोगों को गंध यानी कि स्मेल नहीं आती है, और खराटे भी आते हैं, कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें गंध नहीं आती, उसमें एक कारण ये भी, क्योंकि आपकी नाक से सांस ही नहीं चल पा रही है, और नाक में गंध के टिश्यू होते हैं, मुंह में स्वाद के टिश्यू होते हैं, वैसे नाक में गंध के टिश्यू होते हैं। उसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा लक्षण है कि मुंह से सांस चलती है। और मित्रों, दो बातें मैं आपको और बता दूं, उसमें एक बात है कि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को चश्मा आ जाता है, 2-3 साल के बच्चों को अपने चश्मा लगा के देखा है, इसका मतलब है उनको ये समस्या, उनकी नाक से सांस नहीं चल पा रही है, आज नहीं तो कल उनको ये समस्या बड़ी हो जाएगी। और जब ऐसे करके देखो ना, ऐसे नाक को ऐसे करके देखो, किसी की भी देखो जिनको ये समस्या, तो ऐसा लगेगा यहाँ बहुत ज्यादा मांस है, उनके छेद बहुत छोटे हो गए। और इनकी एक और पहचान मैं आपको बता दूं, ये जो बच्चे या बड़े कोई भी होते हैं वो माँ या नाक से जो शब्द उच्चारण किए जाते हैं वो ठीक से नहीं बोल पाते, ना माँ ये ठीक से नहीं बोल पाएंगे, ये माया नहीं बोल पाएंगे, माया बोलेंगे, कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, मैं शब्द उच्चारण नहीं कर पाई हूं, पर ये माँ और ना ये दो शब्द हैं ये बिल्कुल भी ठीक से नहीं बोल पाएंगे, इनके इसमें आप भेद समझ लेंगे, आपको पता चल जाएगा तो आप क्लियर हो जाएंगे। अब इसके परिणाम क्या होते हैं मित्रों, यदि नसल पॉपल्स है तो इसकी समस्याएं क्या क्या होती है, यदि आपको ये पता चल जाएगा तो इस नसल पॉपल्स का जल्दी समाधान करेंगे, अन्यथा आप लोग कई बार गड़बड़ियां कर लेते हैं और टालते रहते हैं। तो इसके जो परिणाम है मैं आपको भी बता दूं मित्रों, आपका सबसे बड़ा परिणाम है, जब नाक से सांस नहीं चलती है तो आपकी जो प्राणवायु है, जो आपके शरीर में ऑक्सीजन जाना चाहिए, वो आपके नाक में जो बाल है ना उससे जो छनके जाता है वो छनके नहीं जाता, वो मुंह से जा रहा है, इसलिए छनके नहीं जा पाएगा। तो मुंह से जब जाता है तो सबसे पहले गले में, गले पे सांस पहुंचती है ना, तो गले में आपको इन्फेक्शन बना रहता है,
बार बार आपका गला पकता है, गला सूखता है, खांसी, सूखी खांसी आपको बार बार होगी, कफ वाली खांसी भी होगी क्योंकि कफ का आपको मेन प्रॉब्लम हुई है। उसके अलावा टॉन्सिल्स की समस्या हो जाती है। मैं आपको एक तरफ से बता रही हूँ ताकि सारी समस्या आपको समझ में आ जाए। अब उसके यहां से आगे बढ़ोगे तो आपके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं क्योंकि जो आपकी सांस फेफड़ों में पहुंच रही है वो शुद्ध वायु नहीं पहुंच रही है। तो जब शुद्ध वायु नहीं पहुंच रही है तो फेफड़ों में जो आपका खून है, जो आपका रक्त पहुंचता है, उसको शुद्ध वायु नहीं मिलती है, जिससे वो ठीक से काम, उसमें गति नहीं मिल पाती है। अब गति नहीं मिलेगी तो उसका ब्लड सर्कुलेशन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो पाता, तो कई बार ऐसे लोगों के शरीर में भी गांठें बनने लग जाती हैं। जी हाँ, तो शरीर के अंगों में भी गांठें बनने लग जाती है और शरीर में मूंगी आना, कहीं जैसे थोड़ी देर बैठ गए तो शरीर सुन हो जाता है, ऐसी भी समस्याएं हो जाती है। उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन होगा ही नहीं तो रोग प्रतिकारक क्षमता अपने आप कम हो जाएगी, और जब रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है तो आपकी पाचन शक्ति भी मंद पड़ जाती है और आपके पेट के यानी कि आपके सारे ऑर्गन कमजोर हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में सर्दी जुकाम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और हर बैक्टीरिया वायरस जो मौसम में आसपास वातावरण में घूम रहा है, हर बैक्टीरिया हर वायरस आपके बॉडी में बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, वो बहुत जल्दी आपका बॉडी उसको खींच लेता है और परिणाम स्वरूप आपको कोई भी रोग जल्दी लागू हो जाता है। और मित्रों जब रोग जल्दी लागू होता है तो टेंशन बहुत ज्यादा बना रहता है क्योंकि मुझे कब क्या हो जाए मुझे पता ही नहीं होता। तो ऐसे में जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन रहता है कि ऐसे लोगों को जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है, इम्यूनिटी कमजोर है, तो उनको लगता है हाय कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, एक छींक आती तो उनको डर लग जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचना है तो हमारे निर्देश हम आगे देने जा रहे हैं, उनका पूरा पालन करिए मित्रों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट दी है मित्रों, उसमें सबसे पहले हमने बताया कि आपको नाक में तेल या घी डालना है। अब तेल डालने पर मैं पूरी बातें स्पष्ट कर दूं क्योंकि आप लोगों के जहां मैं तेल डालने की बात करती हूँ बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आप कोई विकल्प मुझसे नहीं मांगे कि मैं आपको विकल्प नहीं दे सकती। आपको बादाम रोगन या घर का बना हुआ जो आपने अपने घर में बनाया या आपके विश्वास पात्र आपको खरीदना नहीं है, खरीदने वाला तो गड़बड़ कर देगा, बेचने वाले गड़बड़ करते हैं और इसमें मैं किसी का विश्वास नहीं कर सकती। इसलिए यदि आपके घर का बना देशी गाय का देशी घी है, देशी गाय के दूध से बना देशी घी है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप बादाम रोगन इस्तेमाल करिए, आप डाबर का ले सकते हैं, पतंजलि का ले सकते हैं। मैंने दोनों का इस्तेमाल किया, मुझे दोनों का अच्छा लगा, इसलिए आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं, ये अच्छा है। अब इसमें कोई विकल्प नहीं मांगना है कि इसका ले आए उसका ले आए, ये तेल चलेगा, सरसों का तेल चलेगा, भाई नारियल का तेल चलेगा, जैतून का, मुझे कोई नहीं, आप कोई विकल्प ना मांगे मुझसे क्योंकि मैं विकल्प नहीं देने वाली हूं। उसमें कई बार दिक्कत हो जाती है लोगों को, इसलिए मैं विकल्प नहीं देती हूं। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको नाक में तेल डालना है उसको आपको तेल आप सादा डालेंगे, घी आपको गुनगुना करके ही डालना होता है, और सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में आप तेल डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपको कैसे डालना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सावधानियां क्या रखनी है हमने सब विस्तार से बताया, उनको देख लीजिए ताकि आपको डालने की गड़बड़ियां ना हो, अन्यथा कई बार छींक आ जाती, खांसी आ जाती, गले में अटक जाता है और गले में आएगा तो उसको आपको उतार देना है, उसको थूकने की जरूरत नहीं है क्योंकि गले में व्यवस्था बराबर है, वो फेफड़ों में नहीं जाएगा, आपके पेट में ही जाएगा, लिक्विड बराबर जाएगा, कोई टेंशन का विषय नहीं है। अच्छा, नाक में तेल डालने के बाद आपको पानी के नियम का पूरा फॉलो करना है क्योंकि कई बार होता क्या है, कफ की दवाइयां खाते खाते पेट में इतनी गर्मी बढ़ जाती है, शरीर में इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि गर्मी से समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, इसलिए आपको पानी के नियम का पूरा पालन करना है। उसके बाद खान पान भी सही करना है, समय पर भोजन लीजिए, आपको क्या खाना क्या नहीं खाना उसका सारा हमने स्वास्थ्य नियम में बताया। अब ये स्वास्थ्य नियम का पालन करने के बाद आपको नाक में घी तेल आपने डाल लिया, आपको कम से कम दिन में 3 बार नाक में घी या तेल जो भी डाले वो डालना ही है, उसके अलावा आपको लगाना है, आपका एक ही उद्देश्य है कि आपकी नाक से सांस चलनी चाहिए, नाक से सांस नहीं चलेगी तो आप इस समस्या से छुटकारा नहीं पाएंगे और हो सकता है भविष्य में आपके दांत भी बाहर को आ जाएंगे क्योंकि मुंह खुला रहेगा तो भी एक समस्या आ जाती है। उसके बाद तारवार लगाना पड़ता पर हमारे लिए तो उसी में सारा काम हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आप अभी प्राणायाम करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं क्योंकि आपकी नाक बंद है, तो अभी आप सिर्फ सांसों पर ध्यान करेंगे, भस्त्रिका का प्राणायाम करेंगे क्योंकि आपका मकार भी नहीं निकलता तो आप ओम भी नहीं बोल पाएंगे और भ्रामरी भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने नाक में घी तेल डाला जैसे हमने बताया, निर्देश दिए हैं उनको देखेंगे पता चल जाएगा। अब आपको सीधा बैठ जाना, आप दूसरी प्लेलिस्ट आपको देखनी है संपूर्ण प्राणायाम, उसमें हमने बताया कि कैसे सीधा बैठना है। आप यदि सीधे बिना सहारे के नहीं बैठ पाते, आप सहारा लेके बैठ सकते हैं, कैसे आपको सांस लेनी है। अब सांस लेके तो मैं यहां भी आपको बता दूंगी, उसमें भी हमने बताया आपको सांस कैसे लेनी है, नॉर्मल सांस, मुंह बिल्कुल बंद, मुंह बिल्कुल नहीं खुलेगा, मुंह बंद और सांस आपकी नॉर्मल चलती रहेगी। कैसे,
बस नॉर्मल सांस पे आपको ध्यान देना है। अभी आपको यहाँ पता नहीं चलेगा, मैं जोर से लूंगी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि नॉर्मल सांस में आपको पता नहीं चलने वाला। मैं एक बार जोर से सांस आपको करके दिखा देती हूँ। और जब आप सांस लेंगे ना, आपको ध्यान रखना है कि आपके कंधे नहीं उठने चाहिए, आपके यहाँ की हड्डी में खड्डा नहीं पड़ना चाहिए, गलती वहां हो जाती है। और ये मैंने संपूर्ण प्राणायाम में बताया कि कैसे आपको करना है। ये देखिए, खड्डा नहीं पड़ा है, कंधे नहीं उठे, जो ये हिस्सा उठा उसके साथ ये हिस्सा उठा, ये हिस्सा उठा है, ये नहीं उठता है। अब आप जो गलती कर लेते हैं इसमें मैं आपको भी बता दूं, यदि आपने ये कर लिया, खड्डा पड़ गया और आपकी सांस उल्टी हो जाएगी, आपकी कमर में दर्द आ जाएगा और पेट आपका सांस लेने में बाहर आना चाहिए, अंदर चला जाएगा। संपूर्ण प्राणायाम में पूरा देख लीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको हल्के फुल्के व्यायाम करने, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम आता है वो कर लेने हैं, ताकि आपके बॉडी में एक्टिवनेस बनी रहे और आपका आलस कम हो जाए। अब उसके अलावा आपको एक मेन चीज का जो ध्यान रखना है, आपके फेफड़े कमजोर हैं, आपकी नाक से सांस नहीं चल पा रही है, तो आपको दो बातों का ध्यान रखना। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं कि नाक के पॉइंट कहाँ है मित्रों, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और फेफड़े के पॉइंट भी मैं आपको बता दूंगी, तो आप उनको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, आपको बहुत सारा पेन होने वाला है, पर आपको समाधान भी मिलेगा। अच्छा, ये मैंने आप पेन लिया है, पेन बहुत बड़ा है, मुझे छोटी साइज का पेन अभी दिखा नहीं, तो आप पेन ले लीजिए। पेन को आपको क्या करना है, ये अंगूठा जो है ना, अंगूठे में यहाँ पे ये बीच का हिस्सा एकदम बीचों बीच पकड़ लीजिए, इसको यहाँ पे आप ऐसे दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे, आपको दबाना है। और इसके अलावा आप ऐसे भी दबा के देख सकते हैं, ये उंगली से ऐसे करके, नाखून कटाओ ये ध्यान रखें, ऐसे करके दबाइए, आपको यहाँ पेन होगा। यदि आपने कोई गोली वगैरह नहीं खाई, कोई पेन किलर वगैरह नहीं खाया है, तो आपको यहाँ दर्द होगा। और ये आपको जहां दर्द हो रहा है ना, वहां आपको ऐसे दबाना है। यदि आप इसको दबाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ कुछ जमा है, कुछ दाने जैसा वो आपको अटक रहा है, वो आप निकालेंगे, वो जब दबाएंगे तो आपको बराबर महसूस होगा। आप उसको दबाते रहिए, थोड़ा आपको प्रेशर देना है, आपको प्रेशर 2.5 किलो से ज्यादा नहीं देना है। प्रेशर कैसे देते हैं, यदि आपके आसपास किराने की दुकान है आप वहां देख सकते हैं, वहां इलेक्ट्रिक वजन काटा होगा, उस पर आप अंगूठे से प्रेशर दीजिए, आपको पता चलेगा 2.5 किलो कितना होता है। तो आप मुश्किल से 1 किलो प्रेशर में ही आपको यहाँ दर्द आ जाएगा, तो आप उसको ऐसे धीरे धीरे दबाइए, और एक दिन एक हाथ में और दूसरे दिन दूसरे हाथ में। एक्चुअली मैंने थोड़ी देर पहले ये वीडियो मैंने दोबारा बनाया है, एक बार मुझे कैंसिल करना पड़ता, मैंने तब नाक में घी लगा लिया था, अभी दोबारा मैं बताना भूल गई हूँ, तो मुझे छींक जैसी आ रही थी तो वो रुक गई। एक्चुअली नाक में घी हाथ में लेके आप लगा सकते हैं, मैंने पहले लगा रखा है, इसलिए मैं आपको दिखा दूं ऐसी, ये देखिए चिकना हो गया। तो क्या है ना, लगाना कैसे, मैं लगा के भी दिखा दूं, ये देखिए मैंने घी ले लिया है, 2-3 बार आपको डाल लेना, उसके अलावा आपको लगा लेना ऐसे लेके, अच्छे से लगा लीजिए। आपको दिन में 10-12 बार भी लगाना पड़ सकता है, हर घंटे में लगा लीजिए, ताकि आपकी नाक से सांस चलती रहे। आपको लगेगा कि यहाँ तेल लगा हुआ है या तेरा घी जो आप लगा रहे हैं लगा हुआ है, बट आपका ये हिस्सा जो है वो सूख जाता है, इसलिए 2-3 बार डालने के अलावा आपको लगा लेना है। और घर में अभी लॉकडाउन में यदि वीडियो मिल जाता है, तो आप लॉकडाउन में मैं वीडियो डाल दूंगी जहां तक मेरी कोशिश है, तो आप क्या करिए कि आप दिन में 6-7 बार नाक में घी या तेल डाल दीजिए, ताकि आपकी नाक हमेशा जो सूखापन है वो सारा खत्म हो जाए और आपको आराम मिल जाए। हाँ, अब मैं वापस, क्योंकि गड़बड़ हो रही थी, छींक आ रही थी, इसलिए वापस आ जाती हूँ। तो आपको ये दबाना है, ये दबाएंगे ना तो इससे आपको नाक में काफी आराम मिलेगा मित्रों। और एक दिन इस हाथ में दबाइए, दूसरे दिन इस हाथ में दबाइए, आपको काफी आराम हो जाएगा। उसके अलावा फेफड़े के पॉइंट जो है वो यहाँ होते हैं, आपको मैं दिखा दूं, ये जो जितना भी हिस्सा है ना, ये अंदर का, ये जो लाइन है, इसके अंदर का जितना भी हिस्सा है ये फेफड़े का पॉइंट कहा जाता है। तो आपको ये पॉइंट दबाना है, ये पॉइंट ऐसे आप दबाएंगे, आराम से दबाएंगे। आप, मैं पीछे से जाऊं आपको दिखा सकती हूँ, ये ऐसे करके अंगूठे से आप ऐसे करके दबा सकते हैं, ये ऐसे ऐसे करके आराम से ऐसे दबाइए, एक दिन एक हाथ का, दूसरे दिन दूसरे हाथ का, क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो इसको दबाइए, इससे आपको आराम मिलेगा। और ये जब आप दबाएंगे और धीरे धीरे जब आपकी नाक खुल जाएगी, धीरे धीरे आप भस्त्रिका करके आगे बढ़ेंगे मित्रों, जितना जल्दी आगे बढ़ेंगे उतना जल्दी आप ठीक हो पाएंगे। उसके बाद आपको सारे प्राणायाम करने, अनुलोम विलोम, कपालभाती, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, भ्रामरी उद्गीत, सब करने हैं और सारे प्राणायाम आपको मिल जाएंगे और करिए। उसके बाद धीरे धीरे आप व्यायाम चालू करेंगे, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि मुंह बंद रहे और नाक से आपकी सांस चलती रहे। जब व्यायाम करेंगे तो धीरे धीरे आपका शरीर अपने आप मजबूत होता जाएगा और इस समस्या से आप बाहर आते जाएंगे और आपका बॉडी मजबूत, इम्यून सिस्टम मजबूत और सब कुछ मजबूत हो जाएगा। और फिर आपके मन से कैसे डर गायब होता है, कैसे आपका चश्मा जो बचपन में लग गया था, जो जो बच्चों को लग गया, वो सब आपका कैसे हटता है आप देखेंगे। सारा
क्षेत्र आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको समाधान मिल जाएगा। बस ध्यान रहे, निर्देश जितनी जल्दी पालन कर पाएंगे उतनी जल्दी आपको समाधान मिलेगा मित्रों। इसके अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास नाक में डालने के लिए सिर्फ नसल वो जो वो क्या कहते हैं ड्रॉप आते हैं वो है, वो केमिकल है और वो आपके फेफड़े में कहीं जाकर पेट में या कहीं भी जाकर नुकसान ही करते हैं, वो फायदा नहीं करते हैं मित्रों, वो हानिकारक है, तो आप उसका लगातार प्रयोग नहीं कर सकते हो। पर हाँ, डॉक्टर आपको तेल डालने को मना करते हैं, यदि आप तेल डालते हो, क्योंकि हमारे बचपन से हमारे दादी नानी मेरे तो नाक में कान में तेल ही पड़ा है हमेशा बचपन से, और हमने मैं आज भी डालती हूँ, मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुई है, मेरा बच्चा भी डालता है उसको भी समस्या नहीं होती। हाँ, उसको चश्मा आ चुका है, क्योंकि उसने वो मैग्नीफाइंग ग्लास से काफी कुछ देखा तो उसमें उसका एक आंखें कमजोर हो गई है उसकी वजह से, पर हाँ प्राणायाम नहीं करता वो दूसरी बात है, पर हाँ जब जरूरत पड़ती कर लेता है। तो मित्रों ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आप इसका पालन करिए आपको समाधान मिल जाएगा। मित्रों वीडियो डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्राणायाम व्यायाम की वीडियोस के अलावा इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर का लिंक भी दिया है, वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते रहते हैं, जहां आपको काफी कुछ कई बार निर्णय लेने में सुविधा नहीं होती तो सब आपको मिल जाएगा, और नंबर भी दिया है। पर प्रश्न करने से पहले निर्देशों का पूरा पालन करें, अन्यथा निर्देश वही मिलेंगे। इस प्लेलिस्ट में वीडियो देखो, ये वीडियो जो है हमारी प्लेलिस्ट जटिल रोग का हिस्सा बनेगा, बाकी सर्दी खांसी जुकाम बुखार पे सारे वीडियो सामान्य रूप प्लेलिस्ट में है, क्योंकि थोड़ा जटिल रोग है इसलिए हमने इसको जटिल रोग में रखा है। और आप मेरे कपड़ों पे भी प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। क्या हुआ ना, पिछले 2-3 दिन में मैंने वो पहना था, क्या कहते हैं, फुल स्लीव पहनी थी, तो उसमें मेरे यहाँ जलन हो गई थी, इसलिए मुझे 2-3 दिन ऐसे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। आशा है आप मेरी व्यवस्थाओं को समझेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।